नमस्ते, सब मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर, हेलो। यू आर ओके ऑडिबल। ओके ओके, थैंक यू। सभी बच्चों को सबसे पहले तो नमस्ते बच्चों, एंड ओम शांति। इम्पोर्टेंट थिंग है, मैं कुछ भी बताने से पहले आप सबके साथ टीचर और स्टूडेंट वाला रिलेशन नहीं रखना चाहता हूँ। आप स्टूडेंट्स हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी रिसर्च कर रहा हूँ, ठीक है? तो हम फ्रेंड्स हैं, तो एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को कुछ बताने जा रहा है, ठीक है? तो फ्रेंड जब दूसरे फ्रेंड को बताता है तो दूसरा वाला फ्रेंड बड़े ध्यान से सुनता है कि उसका उस फ्रेंड उसके लिए आज क्या नया लाया है, कुछ उसके लिए क्या स्पेशल लाया है कुछ, ठीक है? तो मैं आपके लिए स्पेशल चीजें जो मुझे आती हैं वो मैं आपको बताने जाता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और मुझे लगता है शायद आपका भी बेस्ट फ्रेंड अभी तक बन गया होगा, वो शिव बाबा है ना? आपका बेस्ट फ्रेंड है शिव बाबा? मेरा तो है बेस्ट फ्रेंड शिव बाबा। तो 5 मिनट, ओनली 5 मिनट्स, हम पहले शिव बाबा को याद करते हैं, उस फ्रेंड को भी ज्वाइन करने को बोलते हैं हमारे साथ, ठीक है? तो हम इसका एक नाम देते हैं, इसको भी एक एक्टिविटी बोलेंगे, मेडिटेशन, पॉइंट मेडिटेशन, ठीक है? तो आप सभी फ्रेंड्स एक किसी भी एक पॉइंट के सामने, आपके मोबाइल पर हो सकता है, अब मेरे स्क्रीन पर मुझे एक बाबा का फोटो दिखाई दे रहा है, उस पॉइंट पर मैं 5 मिनट देखूंगा बिना आंखें की पल के झपकाए, बिल्कुल ओनली कॉन्सेंट्रेट दिस पॉइंट, ठीक है? तब सब स्टार्ट करें। चले स्टार्ट करें, सभी पॉइंट पर ध्यान दें, ओनली 5 मिनट्स के लिए, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। डीप कॉन्सेंट्रेशन। कोई आवाज नहीं सुननी है, कुछ भी नहीं, ओनली अपने बेस्ट फ्रेंड को देखना है, शिव बाबा को। कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट, पॉइंट ऑफ लाइट,
अच्छा, ओम शांति। तो सभी ने मेडिटेशन किया, बेस्ट फ्रेंड को बुलाया, सभी ने उसको याद किया। ओके, चलो तो फिर हम अभी हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक, ये जो सेशंस है, मैं आपको तीन चीजें सिखाने चाहूंगा इसके अंदर, थ्री पार्ट से सेशंस के अंदर। सबसे पहला पहला वाला पार्ट है पेशेंस पर है, सेकंड वाला पार्ट जो है वो हेल्थ पर है, और थर्ड वाला पार्ट आपका ड्राइंग पर है। ठीक है, तो तीनों पार्ट में आपको सिखाऊंगा, तो आप इसमें पार्ट अच्छे से पार्टिसिपेट होइए। ठीक है, एज अ फ्रेंड स्टार्ट करें, तो स्टार्टिंग करते हैं पेशेंस से। ठीक है, तो पेशेंस मीन्स सबको आपको पता है, पेशेंस वर्ड तो आपने सभी ने सुना होगा। पेशेंस मीन्स धैर्यता, राइट, इसको हिंदी वर्ड है धैर्यता, और इंग्लिश में उसे पेशेंस कहते हैं। काफी बार ये वर्ड हम यूज करते हैं, कीप पेशेंस लाइक, राइट। सपोज एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे एक पेड़ लगाया हमने, तो उसको फ्रूट्स आने में, फल आने में कुछ टाइम लगता है ना, तो वो जो टाइम लगता है उसके लिए हमें पेशेंस रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है ना कि आज पेड़ लगा दिया कल फ्रूट्स आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो ट्री लगाने के बाद, कुछ इयर्स के बाद, कुछ सालों के बाद उसको फ्रूट्स आते हैं, तब तक हमें पेशेंस रखना पड़ता है। तो ये तो एक नेचुरल इन्वायरमेंट की बात हो गई, तो ऐसे लाइफ में हमें पेशेंस रखना पड़ता है। तो अभी स्टूडेंट लाइफ में तो बड़े पेशेंस की जरूरत पड़ती है हमें, राइट। तो कैसे पेशेंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो ये पेशेंस हम थोड़ा सा स्पीच से ना समझते हुए स्टोरी से समझने की कोशिश करते हैं। तो आज गौतम बुद्धा का बर्थडे है, तो उनकी एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। उनकी स्पेशल स्टोरी थी, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को बताई थी, तो उनको भी उन्होंने पेशेंस सिखाने के लिए, ठीक है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो टू फ्रेंड्स थे, दोनों फ्रेंड्स खेल रहे थे, मीन्स वो गेम खेल रहे थे पतंग उड़ाने का। आप सभी ने पतंग उड़ाई होगी ना, तो वो पतंग उड़ा रहे थे दोनों जन एक गांव के अंदर। एक जो फ्रेंड था वो 12 ईयर ओल्ड था, और एक जो फ्रेंड था वो 10 ईयर ओल्ड था, एक छोटा था एक बड़ा था। ठीक है, तो दोनों पतंग उड़ाते 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 गांव से काफी बाहर चले गए। जैसे जैसे पतंग जा रही थी, वैसे वैसे उसके पीछे 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 जा रहे थे उस पतंग के। तो अचानक क्या हुआ, जो बड़ा था, जो बड़ा फ्रेंड था ना 12 ईयर ओल्ड, वो गलती से जाकर एक कुएं के अंदर, एक पानी का बहुत बड़ा कुआ था, उसके अंदर गिर गया, और वो जोर जोर से चिल्लाने लग गया, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। अब वो छोटा वाला जो फ्रेंड था वो इधर उधर देखने लगा कि अब इसे कैसे बचाए, तो बड़े कुएं में गिर गया और काफी बड़ा है मुझसे एज में, अब मैं इसे कैसे बचाऊं। तो उसको एक पास में एक छोटी सी बकेट दिखाई दी, छोटी जैसे पानी निकालते हैं जिस बकेट से, और रस्सी बांधी हुई थी उसको, उसको दिखाई दी। तो उसने वो बकेट उस कुएं के अंदर डाल दी, और उस फ्रेंड को बोला कि तुम उस बादली को, उस बकेट को पकड़ लो, मैं बाहर खींचता हूं और तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। तो बोला ओके, और फिर उसने वो बकेट नीचे डाली और उसने पकड़ ली, और वो जोर से खींचने लगा, बहुत जोर से खींचने लगा, काफी देर तक उसने, आधा एक घंटा वो खींचा वहां पे, तब जाकर उसका फ्रेंड बाहर आ गया। फिर दोनों जन स्माइल की दोनों ने, और दोनों वापस अपने घर चले गए। और ये जो बात थी, जो ये इंसिडेंट था, ये घटना थी, उन्होंने सबके साथ शेयर की अपने गांव में, सभी बड़ों के साथ, फैमिली के साथ। सब जन बोल रहे, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा थोड़ी हो सकता है, ये छोटा बच्चा एक बड़े बच्चे को कैसे निकाल देंगे उस वेल, उस कुएं के अंदर से बाहर, इम्पॉसिबल है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो कोई उनकी बात नहीं मान रहा था, सब बोल रहे थे कि झूठ बोल रहे हैं, कुछ भी मन से बात बना रहे हैं। तो फिर उनके गांव में एक बड़े बुजुर्ग, मतलब एक दादाजी थे, जो दादाजी से उन्होंने जाकर ये सब बताया कि दादाजी हमारी बात तो कोई नहीं सुन रहा है, कि सच में ऐसा हमने किया। तो दादाजी ने बोला मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करता हूँ। तो दादाजी की बड़ी गांव में चलती थी, बड़ा नाम था दादाजी का, कि दादाजी कभी झूठ नहीं बोलते थे। तो गांव वालों ने दादाजी को आकर कहा, आपको लगता है ये बच्चे सच बोल रहे हैं? तो दादाजी ने कहा बिल्कुल सच बोल रहे हैं ये बच्चे। तो बोले कैसे पॉसिबल है? तो बोले क्यों नहीं पॉसिबल है, निकाल दिया उन्होंने। तो उन सभी लोगों ने कहा हम इस बात का आश्चर्य नहीं है कि उन्होंने, मतलब कैसे उसको बाहर निकाल दिया, बट इतना छोटा बच्चा है, उस रस्सी को कैसे पकड़कर वो बाहर आ सकता है? क्या रस्सी गिर नहीं गई, वो अंदर नहीं चला गया, ये कैसे पॉसिबल है?
तो फिर दादाजी ने बड़ा अच्छा आंसर दिया। क्या आंसर दिया होंगे आपके हिसाब से? क्या आंसर, किस वजह से वो छोटा बच्चा एक बड़े बच्चे को बाहर निकाल पाया? क्या वजह रहा होंगी? एनी आंसर, एनी गेस? पेशेंस। ओके, पेशेंस। एनी एनी और कोई आंसर? कैसे निकाला होगा उसने? आप सोचिए, उस सिचुएशन में आप होते, आपसे बड़ा है एज में, थोड़ा मोटू भी है, तो उसको बाहर कैसे निकालोगे आप? करेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस, फेथ इन गॉड। ओके, पेशेंस, पेशेंस। तो मैं इसका आंसर बताता हूं। आंसर क्या था कि उसने कैसे निकाला उसको पता है आपको? सबसे इंपॉर्टेंट थिंग थी वो जहां था, उस कुएं के पास। उस कुएं के पास ऐसा कोई भी नहीं था जो उसे कहे कि तुम्हारे अंदर पावर नहीं है, तुम नहीं निकाल सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। और उसने खुद को कहा, आई एम स्ट्रॉन्ग। और उसने पेशेंस के साथ, बड़े ही पेशेंस के साथ 2 मिनट सोचा कि अब इस सिचुएशन में और तो कोई हेल्प नहीं कर सकता है इसकी, मेरे सिवाय, सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, क्योंकि मैं गांव में जाकर किसी को बुला कर लेके आऊंगा, तब तक तो कुछ हो जाएगा। सो इसमें टू चीज है। किसी किसी ने आंसर दिया ना, स्ट्रॉन्ग, पावर, पेशेंस, इज ऑल आर राइट आंसर। सबसे इंपॉर्टेंट, उसके अंदर पावर कहां से आई? बिकॉज नो नेगेटिविटी। किसी ने उसको नहीं कहा कि तुम नहीं कर सकते, सब उसके मन में क्या क्या, तुम कर सकते हो। और उसने पेशेंस के साथ सोचा, एक 10 ईयर के बच्चे ने सोचा, और उसने रस्सी डाली और उसे निकाल भी लिया। इतनी पावर है पेशेंस में, है ना? पावर एंड पेशेंस दोनों इक्वल है। पेशेंस होगा तो पावर मिलेगी, पेशेंस नहीं है तो पावर नहीं मिल सकती है। जैसे हम स्टडी करते हैं, तो स्टडी करते वक्त हम 1 घंटे में सारा सिलेबस नहीं खत्म कर सकते हैं, पेशेंस रखना पड़ेगा, धीरे धीरे से स्टडी करनी पड़ेगी, एक एक सब्जेक्ट को समझना पड़ेगा। कोई कोई सब्जेक्ट बड़े बोरिंग लगते हैं हमें। कौन सा सब्जेक्ट बोरिंग लगता है आपको जो बिल्कुल पसंद नहीं है? कौन सा सब्जेक्ट आपको बोरिंग लगता है, पसंद नहीं है आपको? हिंदी। ओके, और हिस्ट्री? एनी मोर? मैथ? मैथ्स। ओके, कन्नड़ा? ओके, ग्रेट। साइंस। तो जब मैं स्कूल में था ना, तो मुझे सबसे ज्यादा जो सब्जेक्ट पसंद नहीं था वो तो मैथ। तो लेकिन मुझे जब ये बात, ये स्टोरी तब मैंने सुनी थी, और मुझे उस स्टोरी के समय ये पता चला कि अब मैथ को छोड़ नहीं सकता मैं, पर मैथ पर मैं पेशेंस के साथ स्टडी करूंगा, हार्डवर्क करूंगा, पेशेंस रखकर, क्योंकि 1 दिन में मैथ नहीं सीख सकता मैं, या 2 दिन में भी नहीं सीख सकता हूं, मुझे पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने योगा सीखा है, ठीक है, तो आप अब सपोज 5 मिनट के बाद आप कहो कि मैं योगा एक्सपर्ट बन जाऊं, पॉसिबल है? नो, पॉसिबल, इम्पॉसिबल ही है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस करते वक्त पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस रखेंगे तो पावर मिल जाएंगी और आप योगा एक्सपर्ट बन जाओगे। वैसे ही सब्जेक्ट्स का भी है। तो अभी जो जो सब्जेक्ट्स आपने लिखे हैं ना कि मुझे पसंद नहीं है, उन सब्जेक्ट पर आज से पेशेंस के साथ करेंगे, पेशेंस के साथ अभी सभी जन। और रिजल्ट आता है या नहीं आता चेक करना है, पेशेंस के साथ वर्क करेंगे, छोड़ना नहीं है सब्जेक्ट को, ठीक है ना? ऑल सब्जेक्ट्स आर इंपॉर्टेंट, ऑल सब्जेक्ट्स आर इंपॉर्टेंट, एक भी सब्जेक्ट अनवैल्यूएबल नहीं है, ठीक है? कोशिश करेंगे सभी, ग्रेट। ओके, तो आपका मैं एक नाम आपको रखूं, मैं सभी के फ्रेंड्स कहता हूं, तो एक आपको नाम रख देता हूं मैं सभी को, लकी स्टार्स, चलेगा? पसंद आया सभी को अपना नाम लकी स्टार्स? मैं आप सबको लकी स्टार्स बुलाता हूँ, लकी स्टार्स। आप बहुत लकी हो जो आप ये सेशंस कर रहे हो, ठीक है? आप शिव बाबा को जानते हो, बहुत लकी है आप, तो आप ऑल आर लकी स्टार्स, ठीक है? तो लकी स्टार्स, हम एक एक्टिविटी करते हैं अभी, चले स्टार्ट करें एक्टिविटी। आप सभी को फ्लावर्स लेने को बोले थे, तो सभी फ्लावर्स ले अपने हाथ में, चलो स्टार्ट करते हैं। सभी अपने हाथ में फ्लावर लेना है। देखो मेरे हाथ में भी फ्लावर है, देख रहे हैं आप, पेटल्स है इसको, बड़ा सुंदर फ्लावर है ये। सभी फ्लावर को हाथ में ले, जो 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 जिसके हाथ में फ्लावर है वो तो सभी उस फ्लावर्स को ले।
सभी फ्लावर्स को ले लिया, सभी ने फ्लावर्स को, सभी ने लिया फ्लावर्स को, ओके गुड। चले अब मैं जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस देता जाऊंगा वैसे वैसे आपको करना है, ठीक है? मैं जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस दूंगा करें स्टार्ट। प्रैक्टिकल है ये, जैसे हम लैब वर्क करते हैं ना साइंस का, वैसे ही हमें लैब वर्क करना है, ठीक है? लैब समझिए आप, और मैं साइंस टीचर हूं और आपको एक लैब काम बता रहा हूं, आपको करना है, मैं जो जो बताऊंगा वो आपको करते जाना है। लेट्स स्टार्ट। चलिए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस फ्लावर के जो पेटल्स हैं, जो फ्लावर के कलियां हैं, तो साइड के सभी तोड़ेंगे आप, सभी तोड़ना शुरुआत करें। चलिए सभी शुरुआत करें तोड़ने की। सभी फ्लावर को धीरे धीरे से तोड़ेंगे, पूरे फ्लावर को तोड़ना है, ठीक है? अंदर का भी जो कुछ होगा वो निकाल देना है, सब अलग अलग पार्ट कर देने हैं, नीचे का भी कुछ होगा वो भी निकाल देना है, यहाँ कुछ ग्रीन पार्ट होगा, सब कुछ अलग 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 कर देना है। चलिए एक फ्लावर कोई भी छोटा सा, कोई भी फ्लावर चलेगा, बहुत मजा आएगा, इसलिए जल्दी स्टार्ट कीजिए। ओके सभी ने डन, सभी ने कर दिया है फ्लावर्स, सभी ने, ओके सभी ने कर दिया। तो अपने राइट हैंड में जो भी आपने किया है, सब तोड़ा है फ्लावर को, राइट हैंड में लेना है और आगे करना है ऐसे ऐसे। बताइए मुझे कि आपने फ्लावर तोड़ा है या नहीं तोड़ा है। ऐसे लाइए फ्लावर्स को हाथ में, सब टूटा हुआ फ्लावर्स को मुझे चेक करना है। तोड़ दिया फ्लावर को, जिसके पास फ्लावर नहीं है इट्स ओके, समझना वो एक्टिविटी में अब इस एक्टिविटी में नहीं है, ठीक है? अगले एक्टिविटी में उसे ऐड हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। सभी का हो गया है, जिनके पास फ्लावर है उन सबका फ्लावर हो चुका है, जिसके पास फ्लावर नहीं इट्स ओके। जिनके पास है उनका सबका कंप्लीट है, डन। प्लास्टिक फ्लावर नहीं चलेगा, ओरिजिनल फ्लावर। सभी का हो गया, चले आगे बढ़े। चले तो सभी ने हाथ आगे बढ़ाइए, सभी अपना हाथ बताइए। ओके गुड। तो अभी आपने आपको मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, ठीक है? हमारी पेशेंस एक्टिविटी चल रही है ना, सभी का फ्लावर हो चुका है तोड़कर, ओके? तो अभी एक आपको मैं क्वेश्चन पूछूंगा, चलेगा? सभी ने जो फ्लावर तोड़े हैं, ठीक है,
आपने ये फ्लावर क्यों तोड़ा? आंसर कीजिए, आपने फ्लावर क्यों तोड़ा? मैंने बोला इसीलिए. ओके, राइट आंसर. मैंने बोला इसीलिए, एक्टिविटी है इसीलिए. ओके, मैंने बोला, राइट राइट. ओके, सेम आंसर, सबका आंसर एक ही होगा. मैंने बोला है इसलिए आपने फ्लावर तोड़ा. ओके, अभी आंसर मत कीजिए, समझ में आ गया. सबका आंसर यही होने वाला है कि मैंने बोला इसलिए आपने तोड़ा है. ठीक है, सेम लाइक जैसे फ्लावर था. ठीक है, इस फ्लावर की भी कोई वैल्यू होती है ना, राइट? सेम जैसे आप, आपकी कोई फेवरेट चीज है, जैसे आपका फेवरेट मोबाइल हो सकता है, ठीक है, मोबाइल या फिर एनी अदर कोई इंस्ट्रूमेंट है आपका फेवरेट है. ठीक है, अभी मैं बोलूं आपको वो इंस्ट्रूमेंट आप तोड़ दीजिए, तो क्या आप तोड़ोगे? आप तोड़ोगे, यस या नो? नहीं, नहीं तोड़ोगे, बिल्कुल नो, नहीं तोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे हम. क्यों? क्योंकि तो हमें उसकी वैल्यू पता है, मोबाइल की वैल्यू पता है, उस इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू पता है, और उसे हम लाइक करते हैं, राइट? तो इस फ्लावर की कोई वैल्यू नहीं है, इस फ्लावर की कोई वैल्यू नहीं है, है या नहीं है? है ना, इस फ्लावर की वैल्यू है, बिल्कुल है. बट क्या होता है लाइफ में, हम पेशेंस रखकर एक मिनट भी नहीं सोचते कि सामने वाला जो हमें बोल रहा है वो हम क्यों कर रहे हैं, राइट? कोई आपको, मैं कुछ भी बोल रहा हूं तो आप उसे मान गए. आपने से किसी ने क्वेश्चन किया, हम क्यों तोड़ना है सर, वाई? वाई किसी ने नहीं किया. लैब में भी हम जाते हैं तो हम लैब में भी पूछते हैं ना, लैब में भी हम पूछते हैं ना कि सर ये क्यों करना है, खाना क्यों खाना है, हर चीज के पीछे क्यों होता है, वाय होता है, राइट? स्टडी क्यों करनी है, हर चीज के पीछे वाय है. तो इस फ्लावर तोड़ने के पीछे वाय किसी ने नहीं किया, वाय मैं आपसे वाय कर रहा हूं. आपने फ्लावर तोड़ा, आपने क्यों नहीं पूछा कि इसे क्यों तोड़ना है सर, इसे क्यों तोड़ना है फ्रेंड, बताओ हम क्यों तोड़े इस फ्लावर को? इसी को लाइफ में बोलते हैं पेशेंस. आज हमने खुद चेक किया हमारे अंदर पेशेंस है या नहीं है. अब जिसने जिसने फ्लावर नहीं तोड़ा, जिसके पास था भी फिर भी नहीं तोड़ा, उनके लिए बहुत जोरदार क्लैप्स. ग्रेट, ग्रेट. आपको पता है ये सेम सेशन, ये सेम थिंग मैंने डॉक्टर्स के कॉन्फ्रेंस में कराई थी. डॉक्टर्स थे सारे के सारे इस कॉन्फ्रेंस में, सारे डॉक्टर्स थे, और मैंने ये करवाया था वहां पे. तो आपको पता है रिजल्ट क्या आया होगा वहां पे डॉक्टर्स के सेशंस में? सारे डॉक्टर्स ने फ्लावर तोड़ दिया था, एक भी डॉक्टर नहीं था, एक भी डॉक्टर नहीं था जिसने नहीं तोड़ा. लेकिन बहुत सारे बच्चे जो होते वो नहीं तोड़ते हैं. तो लाइफ में हमेशा याद रखना है, आज से पहले पेशेंस रखकर सोचना कि हम ये क्यों कर रहे हैं, वाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. क्यों करना है? किसी ने कुछ भी बोल दिया तो वो करना नहीं है डायरेक्टली, वाई, राइट ना? तो आज से ये वैल्यू हमेशा ध्यान रखेंगे, हमेशा. किसी भी पेड़ को, किसी भी फ्लावर को, किसी भी चीज को बिना हमारे यूज के नहीं तोड़ना है. हाँ, कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तो जरूर तोड़ना, राइट? ऐसे मैं एक आपको बहुत उदाहरण बताऊं. मेरे घर में बहुत सारे फ्लावर्स हैं, बहुत सारे पेड़ है फ्लावर्स के. मैं कोई भी फ्लावर तोड़ने से पहले उस ट्री को कहता हूं कि मैं आपका फ्लावर यूज कर रहा हूं, और उसको तोड़ देने के बाद उसे थैंक यू भी करता हूं मैं हमेशा, क्योंकि वो बायोटिक है, उसे भी सेंस है, पता चलता है उसे भी सब कुछ चीजें, राइट? तो हम आज से करेंगे ये सारी चीजें. हाँ, इसमें से हम दो चीजें सीख रहे हैं, एक तो पेशेंस, पेशेंस के साथ हर काम करना है, राइट? सेकंड थिंग क्या सीख रहे हैं हम? फर्स्ट पेशेंस, लाइफ में कुछ भी करने से पहले पेशेंस रखना है लाइफ में. और दूसरा रिस्पेक्ट, सभी चीजों की रिस्पेक्ट करनी है, स्पेशली एनवायरमेंट की. करेंगे? तो आज से प्रैक्टिकली
अपने लाइफ के अंदर ये चीज लानी है प्रैक्टिकली, छोटे छोटे पॉइंट्स। ऐसे खाना बना रही है मम्मी और थोड़ा पेशेंस रखना है, मम्मी खाना बना रही है तो पेशेंस रखना है, जोर जोर से चिल्लाना नहीं है, आवाज नहीं करना है, पेशेंस के साथ बैठना है, मम्मी बना रही है। कोई चीज आपको नहीं ला कर दिया आपके पापा ने तो पेशेंस रखना है, कभी और दूसरे दिन ला कर दे देंगे, थोड़ा पेशेंस। डायरेक्टली रोना स्टार्ट कर देते हैं, नाराज हो जाते हैं, बात नहीं करते हैं, ये नहीं करना है। आज से ये हैबिट चेंज करनी है, करेंगे सभी जन चेंज करेंगे आज से हैबिट, ऑल हैबिट्स आर चेंज, कि हम आज से हर चीज में पेशेंस रखेंगे, हर चीज में, लाइफ में कुछ भी हो जाए पेशेंस रखना है। जैसे हम अभी एग्जाम में बैठे हैं, दो तीन क्वेश्चंस के आंसर नहीं पता है, पेशेंस रखना है, डायरेक्टली बहुत नेगेटिविटी में नहीं जाना है, अरे मुझे तो नहीं पता है, मैं फेल हो जाऊंगा, अब क्या होगा, ये नहीं सोचना। आप बैठकर पेशेंस रखकर सोचना, मैं थोड़ा सा याद कर सकता हूं क्या, थोड़ा सा तो भी याद कर सकता हूं क्या, यस, तो 100% आपको याद आएगा, कुछ ना कुछ तो जरूर याद आएगा और आप लिख सकते हो, ठीक है। तो पेशेंस रखेंगे आज से लाइफ में, रखेंगे हम पेशेंस आज लाइफ में, आज से हर चीज के लिए पेशेंस रखेंगे, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है ये, आज से हम हर चीज के लिए पेशेंस रखना है। चलिए नेक्स्ट थी, इसके बाद है हमारा हेल्थ पर का। अभी हेल्थ की बात आप कहेंगे मैं हेल्थ की बात क्यों कर रहा हूं, तो हेल्थ इज इंपॉर्टेंट है। अभी आप सब उसे अगर सुन रहे हो ना, कोरोना वायरस, ऑल हॉस्पिटल्स, ये वो यही चल रहा है, अभी तो हर जगह एक ही सुनने को मिल रहा है, हॉस्पिटल्स, बीमारियां, ये वो, तो ठीक है। तो इसमें 3 पार्ट्स है हेल्थ में। सबसे पहला हम अवेयर होना है, अवेयर तो हम है ही, क्या चल रहा है बाहर। सेकंड प्रोटेक्ट करना है, और थर्ड इम्यूनिटी बढ़ानी है हमें हमारी, ठीक है। तो मैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोई काढ़ा नहीं बताने वाला आप, ओके, रिलैक्स। आप सोचोगे सर आज कोई हमारे फ्रेंड कोई काढ़ा बताएंगे शायद, मैं काढ़ा वगैरह नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है, मैं कोई नॉर्मल चीज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं एक एक्टिविटी करवाऊंगा आप सभी को करनी है, आप सभी के पास रुमाल है ना, और 2 रबर और रुमाल लाने को बोला था आप सभी को, तो करें शुरू एक्टिविटी। चलिए फास्ट, हमारे पास टाइम कम है तो फटाक से हम कर लेते हैं, ठीक है। रुमाल लेना है, ये ऐसा रुमाल सभी के पास, सभी को बोला था रुमाल है ये, ठीक है। हेल्थ एक्टिविटी कर रहे हैं हम, सेकंड नंबर प्रोटेक्शन की, ठीक है, ये देखिए रुमाल, लकी स्टार्स, पहले ऐसे था रुमाल, अब इसे फोल्ड करना है, कर दिया सभी ने फोल्ड, वापस एक बार फोल्ड करना है, कर दिया फोल्ड, कर दिया सभी ने ऐसे फोल्ड, वापस बताऊं एक बार फोल्ड, 2 बार फोल्ड, फिर ऐसा रखना है, कोई भी प्रॉब्लम मुझे बताइए, ऐसा सभी ने किया, यहां तक सभी पहुंच गए सभी यहां तक। चलिए आगे, रबर है हमारे पास, तो अभी रबर क्या करना है, ये देखिए, एक जो ये साइड है, इस साइड में एक रबर डालना है, एक साइड में, ठीक है, उसके बाद दूसरे साइड में भी एक रबर डालना है, ये देखिए दोनों साइड में रबर डाल दिया मैंने, इधर भी एक रबर डाल दिया, इधर भी एक रबर डाल दिया, 2 फोल्ड किए और इसके अंदर दोनों साइड में रबर डाल दिए, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या करना है, ये देखिए, अब जो रबर डाल दिए, ये जो थोड़ा साइड है, रबर डाल दिए थे ना, थोड़ा नीचे ले लेना है रबर, ठीक है, और इसको भी ऐसे अंदर से देखिए, ये देखिए ऐसे अंदर से फोल्ड कर देना है ऐसे, ठीक है, इसको भी अंदर से इधर से फोल्ड कर देना है, दोनों साइड से, ठीक है। और अभी इधर से पकड़ना है रबर, और इधर से भी पकड़ना है रबर, और ये तैयार हो गया हमारा होममेड रुमाल से बना हुआ मास्क। देखिए आजकल डबल डबल मास्क लगा रहे हैं ना सभी, होममेड मास्क,
हो गया सभी का तैयार? हो गया? वापस एक बार सर बताऊं प्लीज, आपको मैं? हाँ रिपीट कीजिए प्लीज ओके, सर। जरूर जरूर, सभी एक बार ध्यान से दीजिएगा वापस, ठीक है? आप पूरी स्टार्टिंग करता हूं मैं। लकी स्टार्स, ये रुमाल है हमारा, हमारे हाथ में। ओके, सभी ऐसे रुमाल ले लीजिए, वन फोल्ड, एक फोल्ड कर दीजिए। लकी स्टार कर दिया, अब दूसरा वाला फोल्ड एक बार और। कर दिया, ग्रेट। चलिए अब इस पे रबड़ डाल देते हैं। इधर भी एक साइड में रबड़, दूसरे साइड में भी रबड़ डालना है। ये देखिए बच्चों, डाल दिया सभी ने रबर। ओके, इसको फोल्ड कर देना है वापस ऐसे अंदर साइड में, और इधर भी, और यहां से होम मेड। देखो बहुत इजी है, कोई बहुत बड़ा मैंने कुछ सिखाया नहीं है आपको, बट क्या होता है, बहुत इजी है ये, बढ़िया, हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि रुमाल बांधना थोड़ा सा अलग लगता है ना, और ये कितना बढ़िया हो जाता है, अच्छे से कहीं पे भी हम जाएं आराम से ये मास्क तैयार कर लेते, और कितने सारे लेयर्स भी हो जाते हैं इस मास्क के अंदर। बहुत इजी वाला स्टेप है, पर बहुत इंपॉर्टेंट है ना अभी के लिए। कि देखिए इसको फिर हम यहां से पहन लेते हैं। 2 मिनट भी नहीं लगते हैं हमें इस तैयार करने में। हमारे घर में जितने भी रुमाल हैं हम सब यूज कर सकते हैं सबके लिए। हो गया सभी का रेडी? ओके, डन। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद इम्यूनिटी कैसे बढ़ानी है, प्रोटेक्शन तो कर दिया, अब इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएंगे? हेलो, हाँ जी, हाँ जी दीदी, मेरे मोबाइल में नहीं है वीडियो वो। अच्छा आपके मोबाइल पे नहीं है हाँ जी, मोबाइल में नहीं, वो दूसरे मोबाइल में था, मैंने आपको शेयर किया था तो वो। मैं भेजू क्या आपको, हाँ चलेगा ना, नो प्रॉब्लम। आपके मोबाइल पे भेजू मैं वापस, हाँ नो प्रॉब्लम, जिस मोबाइल से आपने भेजा मैं आपको भेजती हूँ। ओके, यस टाइम है ना मेरे पास अभी। हाँ आप पोटैटो की एक्टिविटी बताने वाले हैं ना, हाँ जी इसलिए पूछ रहा हूँ, टाइम है ना अभी। नॉर्मली इट्स 12। तो ठीक है ना, फिर वीडियो रहने देते हैं, मैं पटक की एक्टिविटी बता देता हूँ, ओके ओके, ठीक है? तो बच्चों ठीक है, इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएंगे? सबसे जरूरी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए देखिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इम्यूनिटी बढ़ानी है तो नॉर्मली ये ऐसे। आप बोलोगे ये कैसे इम्यूनिटी बढ़ जाएंगी भाई, ऐसे कैसे इम्यूनिटी बढ़ती है? तो ऐसे इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी, इसका मीनिंग है हमेशा खुश रहना, हमेशा खुश रहना। जो वीडियो था उस पर ही था, स्माइल, हमेशा स्माइल करते रहना है। और जो स्माइल करता है, ये मेडिकली रिसर्च, मेडिकल जो रिसर्च हुए हैं उसमें ये आया हुआ है कि जो हमेशा खुश रहते हैं, स्माइल करते रहते हैं, हंसते रहते हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा होती है। हमेशा लाइफ में हैप्पी रहना है, रह सकते हैं हैप्पी हमेशा, कभी भी नाराज नहीं होना है किसी भी चीज से। हाँ, हम ग्रुप में शेयर कर देंगे वो वीडियो आपको, बढ़िया वीडियो है, बहुत अच्छा, देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपके चेहरे पर स्माइल आएंगे 100%। लेकिन हमें वीडियो देखकर स्माइल लाने की जरूरत नहीं है, हमेशा अपने आप स्माइल करना है। ऐसे घर में हम सबके साथ मिलजुल कर रहेंगे, कोई गेम खेलेंगे तो अपने आप हो जाता है, राइट? तो सभी अपने चेहरे पर स्माइल लाइए एक बार, अच्छे से लाइए सभी अपने चेहरे पर, ग्रेट। देखिए स्माइल करने पर कितना अच्छा लगता है ना, जैसे हम किसी फोटो स्टूडियो में जाते हैं तो वहां पे स्माइल करवाते हैं हमें, और बोलते हैं स्माइल प्लीज, फिर उसके बाद ही फोटो निकालते हैं। तो हमेशा ही हमें स्माइल करते रहना है, तो हमारे लाइफ के पूरे फोटोज अच्छे आएंगे, पूरे हर सीन अच्छा होगा लाइफ का, और कितने एंजॉयबल हो जाएंगे लाइफ, ठीक है ना? चलिए हम स्टार्ट करते हैं अभी पोटैटोज का। पोटैटो की हम 2 ड्राइंग सीखेंगे, एक मोजैक और एक डायरेक्ट कलरिंग, ठीक है? दोनों भी सिंपल ड्राइंग है, आपको मैं सिखाता हूँ। ओके, सभी ने पेज लेना है, अपना ड्राइंग पेज जो भी होगा, कलर्स लेने हैं, पोस्टर कलर्स, ब्रश जल्दी से ले लीजिए।
सभी के पास पोटैटो है, ये देखिए ऐसे साइड कट किए हुए, या कुछ बड़ा हो सकता है कट किया हुआ तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। थोड़ा कलर लेना है ब्रश में, कलर लेना है। ठीक है, आप ऐसे घर की सिर्फ पोटैटो तो एग्जाम्पल है, आप घर की कोई भी चीज वेजिटेबल्स जो घर में जो भिंडी होती है जो उसका लास्ट में जो रह जाता है, कोई भी चीज आप यूज कर सकते हैं, लाइक आप कड़ी पत्ता यूज कर सकते हैं, पालक यूज कर सकते हैं, कोई भी चीज यूज करके आप ड्रॉइंग कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए अब इसको ड्रॉइंग, इसको कलर देना है। देखा सभी ने, सभी साइड से कलर देना है पोटैटो को। दे दिया, ये देखिए कर दिया कलर सभी ने। बहुत सिंपल है बट बहुत कुछ इससे बना सकते हैं आप, बहुत नई नई चीजें। ठीक है, आगे बढ़े, सभी यहां तक पहुंच गए। चलिए ये देखिए, ये जो पेज है मेरा, इस पेज पर नॉर्मल ये पोटैटो सिर्फ रख देना है। ये देखिए ऐसे, अब फेंट फेंट होता जाएगा कलर। सभी ने याद तक किया, याद तक किया सभी ने। चलिए एक नेक्स्ट पोटैटो लेते हैं, अभी उसको एक डिफरेंट कलर देते हैं। और ये मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे आप बहुत वैरायटी ऑफ ड्राइंग कर सकते हैं इसमें, आप जो पसंद है आपको वो कलर लीजिए, जरूरी नहीं मैंने जो कलर लिया है वही कलर आपको लेना है, आपको जो फेवरेट कलर है वो आप लीजिए। ठीक है, इसको भी कलर देना है पोटैटो को, ये देखिए अच्छे से कलर कर दीजिए पोटैटो को, कर दिया। चलिए अब देखिए और बहुत सारे शेप्स इसके अंदर बना सकते हैं। ये देखिए, ये तो नॉर्मल एक मैंने आपको शेप बताया, ऐसे शेप से आप जैसे पोटैटो कट करेंगे वैसे वैसे शेप बन सकते हैं। अब सपोज पोटैटो इस शेप में कट किया हुआ है, तो अब जैसे मैं आपको एक बटरफ्लाई बना के बताता हूँ, ये नॉर्मल शेप्स हैं। ठीक है, आप कोई भी शेप बना सकते हो, पूरा का पूरा विलेज बना सकते हो, पूरा का पूरा। इतना टाइम नहीं तो मैं आपको पूरी ड्रॉइंग बनाकर बताता, एक पूरा आप विलेज बना सकते हो पूरी की पूरी, और एक रिवर बना सकते हो, जो चाहे वो बना सकते हो आप इस पोटैटो से, या और डिफरेंट डिफरेंट चीजों से। इसको वेजिटेबल ड्राइंग भी कहते हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स लेकर इसको कलरिंग कर सकते हो पूरे शेप्स को। ये नॉर्मली मैंने आपको एक शेप्स बताए हैं ऐसा, अब इसको लेकर बहुत सारी, अब टाइम कम है इन चीजों को ध्यान रखते हुए मैं आपको थोड़ा कम में बता रहा हूं। ठीक है, सपोज इसको आप कलर कर दें, दो शेप सेम है सेम, और फिर इसको ऐसे रखेंगे आप तो भी बटरफ्लाई बन जाएगा इसका, बहुत सुंदर से। और उसके बाद आप स्केच पेंस लेकर इस पोटैटो को ऊपर
ये कर सकते हैं, इसको कलरिंग कर सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है, बहुत सुंदर से आप इसके ऊपर ड्राइंग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट थिंग थी आपको बतानी थी, इसके इसके अंदर ही मोजैक ड्राइंग कैसे करना है, ठीक है। मोजैक ड्राइंग का टाइप बताता हूं मैं आपको, ठीक है, सभी ध्यान से दीजिए। मोजैक ड्राइंग मीन्स लाइक बीच बीच में थोड़ा स्पेस होता है, आप गूगल पर सर्च करोगे तो भी मोजैक ड्राइंग के बारे में बताएंगे आपको, ठीक है। और पोटैटो को भी आप गूगल पर सर्च करोगे तो बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे और कैसे कैसे शेप्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी एक चीज में आपको बना सकते हैं आप मोजैक ड्राइंग, ठीक है। तो मोजैक ड्राइंग में सेम शेप्स बनाने हैं हमें, ये देखिए, ये देखिए, इसे कहते हैं मोजैक ड्राइंग। ये जो बीच बीच में स्पेस दिखाई दे रहा है, स्पेस छोड़कर पेंटिंग करना, जैसे कोई फ्लावर पॉट है, उस पूरे फ्लावर पॉट के ऊपर भी इस टाइप से आप पेंटिंग कर सकते हो, या पूरा पेज पर आप ऐसे पेंटिंग कर सकते हो, किसी बुक पर ऐसे पेंटिंग कर सकते हो, तो वो दिखने में बहुत सुंदर दिखाई देता है जब पूरा हो जाता है तो, ठीक है। ये फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि मोजैक ड्राइंग कैसे की जाती है। मोजैक में बहुत सारे टाइप्स मिलते हैं, तो आपके लिए आप जैसे होमवर्क दिए हो तो मैं आपको ये होमवर्क दे देता हूँ। आपको एक फ्लावर पॉट पहले ले बनाना है पेज पर, ठीक है, एक जो भी आपके फेवरेट शेप का, और उसमें इस टाइप का कलरिंग आपको करनी है उस पूरे फ्लावर पॉट में। फिर आप लास्ट में भेजिएगा ग्रुप में फोटो, बहुत सुंदर दिखेगा। और पोटैटो को भी आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ, आपको पोटैटो ओनली 2 शेप्स में कट करना है, उसको सेम कलर देना है और दोनों साइड साइड में लगाने हैं, तो उसे एक बटरफ्लाई बहुत सुंदर तैयार होगा। उस पर चाहे तो आप और भी बहुत सारे शेप्स निकाल सकते हो, ओके। टाइम कम होने की वजह से मैं आपको बटरफ्लाई वगैरह बनाकर नहीं बता सकता हूँ। पोटैटो के बहुत सुंदर यूजेस हैं और भी बहुत सारे वेजिटेबल्स यूज लेकर आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसको कहते हैं मोजैक ड्रॉइंग। जब ये पूरी बनती है, सपोज इस पूरे पेज पर मैं अभी मोजैक ड्रॉइंग कर दूं, तो ये पेज कितना प्यारा लगेगा, बहुत सुंदर दिखेगा ये पेज, ठीक है। लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम पूरे पेज पर अभी ये कर सके। सपोज दैट आपने वर्ली पेंटिंग सीखी 2-3 दिन पहले, तो ये वर्ली पेंटिंग समझो साइड में आपने वर्ली पेंटिंग की है और इसके बीच में मोजैक कर दिया, तो बहुत सुंदर दिखता है और भी वो बहुत प्यारा लगता है वो भी। तो आप ट्राई करके देखिएगा, ऐसे कोई नई नई चीजें, ये बहुत बेहतरीन लगेगा। इसमें सेम शेप्स लेने हैं बस, आपको इतना ही ध्यान रखना है इस ड्रॉइंग के अंदर, ठीक है। और पानी का ज्यादा यूज नहीं करना है कलर के अंदर, डन, ठीक है। सभी को आया समझ में अच्छे से? जी, ओके विक्रम सर, ओके थैंक यू। या विक्रम सर, आज का सेशन सभी ने बहुत एंजॉय किया है, सभी ने आज सीखा कि जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है, पेशेंस रखना है तो उसका फल हमें अच्छा मिलता है। और आपने इतने इजी वे में मास्क बनाना सिखाया हमें, विच इज वेरी यूजफुल, सभी ट्राई करेंगे। और मोजैक भी आपने अच्छे से सिखाया,
बच्चे तो क्रिएटिव है ही, वो आज पोस्ट जरूर करने वाले। ये सब आप हम इतना अच्छे से सिखाया, इसलिए सभी की ओर से आपका बहुत बहुत थैंक यू। सभी विक्रम सर थैंक्स करेंगे, एक हाथ हिलाकर सभी थैंक यू करेंगे सर को।